हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आप लोगों के सामने गेट रेडी विद मी लेकर आई हूँ। मैं जा रही हूँ एक छोटे से गेट टुगेदर पर, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो भी शूट कर लेती हूँ कि मैं कैसे रेडी होकर जाऊंगी। मैं बहुत ज्यादा भी नहीं करूंगी, बहुत ज्यादा कम भी नहीं करूंगी, मतलब जितना मैं जहाँ पे टाइम करूंगी उतना मैं करूंगी, ठीक है। तो आई विश आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है, मैं करूंगी अपनी स्किन को प्रेप। तो आज मैं कुछ न्यू प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ जिसका हॉल वीडियो जल्दी आप लोगों के सामने आने वाली है। तो सबसे पहले लगा लेती हूँ मैं मॉइस्चराइजर। तो मैं मॉइस्चराइजर यूज करने वाली हूँ प्लम का। ये मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया है और मतलब बहुत अच्छे रिव्यू मैंने इसके सुने थे। देखती हूँ कि सच में ऐसा है कि नहीं। इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। मैं पहनने वाली हूँ आज साड़ी। इसने स्किन को काफी अच्छे से मॉइस्चराइज कर दिया है। सेकंड हम यूज करेंगे लिप बाम। ये ब्लू हेवन का है। मैं इसका वीडियो शूट शायद इसके बाद ये वाली वीडियो जाए या पहले जाए। अब मैं यूज करूंगी विटामिन सी सीरम। मैं कोई भी फेशियल ऑयल नहीं यूज करने वाली हूं क्योंकि मैंने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है। ना मैं प्राइमर यूज करने वाली क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक के लिए मुझे ऐसा नहीं है कि मेकअप चाहिए। अगर आपको मेकअप बहुत अच्छा चाहिए तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से प्रेप होनी चाहिए, उसके बाद ही आपका मेकअप जो है वो बिल्कुल फ्लॉलेस लगता है। देखिए इसमें थोड़ा सा ऑयल भी होता है जिससे आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है और मेकअप बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। देन मैं यूज करूंगी मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन, जैसे आप सबको पता है कि मेरा पर्सनली फेवरेट है। बहुत थोड़ी क्वांटिटी की जरूरत आपको इसको होती है, बट इसका थोड़ा सा यही है कि कांच बोतल में आता है, तो मैं बस इतना लेने वाली हूं। अगर आपने स्किन को अच्छे से प्रेप किया है तो आपको इतनी जरूरत नहीं है ज्यादा क्वांटिटी लेने की। और इसको मैं अपनी वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूंगी। एक्चुअली मुझे ब्रश से यूज करना अच्छा नहीं लगता फाउंडेशन को क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर दिखाई देता है। अपने कानों को बिल्कुल मत छोड़िए। इसके बाद हम यूज करेंगे कंसीलर, दिस वन। ये बहुत अच्छा कंसीलर है, आप लोग एक बार जरूर ट्राई करो। ये ज्यादा लग गया। मैं इसी में से उठा के कर लूंगी अब सारे में। आफ्टर कंसीलर हम लोग इसको सेटअप कर लेंगे अच्छे से। मैं इसको सेट करूंगी लैक्मे के लूज पाउडर से, जो मेरा पर्सनल बहुत ज्यादा फेवरेट है। मैंने इसी को दोबारा ऑर्डर भी किया है। जब तक आप अपना मेकअप अच्छे से सेट नहीं करोगे उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर जो आपने ये कंसीलर वगैरह ये लगाया है ये फॉल आउट होना शुरू हो जाएगा।
आपको एक्चुअली मेकअप ये जो अभी बहुत ज्यादा लग रहा होगा, कुछ वो लाइटिंग की वजह से भी है और कुछ अभी ये फेस पर ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अपने नेक को बिल्कुल भी मत भूलिए। हल्का हल्का सा इसको लगाने के बाद आप जो एक्स्ट्रा पाउडर है वो अपने फेस से आप हटा लीजिए। ये ट्यूटोरियल भी हो जाएगा आप लोगों के लिए गेट रेडी विद मी, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों से बात भी कर रही हूँ। अपने पास मेरा कुछ सामान ना इधर उधर हो जाता है, छोटा सा मिरर जरूर रखिए जब भी आप मेकअप कर रहे हो। अब बारी है आई मेकअप की। मेरी जो साड़ी है वो ब्लैक कलर की है, तो मैं सोच रही हूँ कि हल्का सा ब्लैक भी आज मैं करूँ, वरना मैं नॉर्मली जो है ब्लैक कलर नहीं करती हूँ। तो पहले मैं अपनी क्रीज लाइन बना लेती हूँ। आपने मेरे बहुत सारे मेकअप में देखा होगा मैं आई शेडो कभी नहीं लगाती, क्योंकि खास मैं पसंद नहीं करती हूँ, बट आज मेरा मन कर रहा है कि मैं अच्छे से मेकअप लुक शेयर करूँ, तो मैं आई शेडो लगा रही हूँ। अपनी दोनों आंखों पे ब्लेंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद में हल्का सा ब्लैक कलर, मैं ये वाली आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूं, मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई, बिल्कुल हल्का सा ब्लैक कलर मैं दूंगी डेप्थ के लिए। जब भी आप सबसे पहली बार आई शेडो लगा रहे हो तो बहुत धीरे काम कीजिए, जैसे मैं बहुत धीरे काम कर रही हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आई शेडो नहीं लगाती, तो इतना आइडिया गाइस मुझे नहीं है आई शेडो का। तो मैंने अपने दोनों आईज में ब्लैक कलर की हल्की सी आउटिंग दे दी है। अब मेरी जो साड़ी है उसमें येलो कलर है, तो मैं येलो कलर को मेन अपने आई शेडो लगाना गाइस बहुत मुश्किल काम है, मैं कह सकती हूँ मुझसे लगाना बड़ा भारी लग रहा है। अब इसको अच्छे से आप लोगों को मिक्स कर लेना है। पता है ब्रशेस भी देखने पड़ रहे हैं, कहीं मैं ब्लैक वाले से सब कुछ ना कर दूं। तो फाइनली मेरा आई शेडो लग गया, ये जंग लड़ने जैसा था। और सेकंड चीज मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी आईब्रो फिल नहीं करती हूँ, तो आईब्रो को जस्ट मैं कॉम करूंगी। मेरी शुरू से ही आदत नहीं है आईब्रो फिल करने की, क्योंकि अच्छी खासी ब्लैक है। तो मैं आईब्रो को फिल करने की मुझे कभी जरूरत नहीं लगती। अब बारी है, मैं सोच रही हूं कि मैं अपनी कॉन्टोरिंग भी इसी से ही कर लूं, तो मैं कॉन्टोरिंग के लिए निकालती हूँ ब्रश। तो इसी में जो ब्राउन कलर है उससे मैं कॉन्टोरिंग कर लूं। मेकअप करने के बाद हमेशा जो आपका फेस है वो बहुत ज्यादा प्लेन हो जाता है, तो उसमें आपको कॉन्टोरिंग करने की जरूरत बहुत ज्यादा है, मतलब आपको जरूर करनी चाहिए। मुझे ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज करना पड़ेगा।
नोज की कॉन्टूरिंग मैं नहीं कर रही हूँ। अब हम आते हैं हमारे लाइनर पे, तो लाइनर भी मैं आज न्यू यूज करने वाली, लाइनर में यूज करने वाली हूँ ब्लू हेवन का स्केच लाइनर। ये मैंने अभी मंगाया है और मैं अपनी वो वीडियो से पहले ही डालूंगी वैसे। बहुत ज्यादा मोटा या बहुत ज्यादा बारीक मैं नहीं करने वाली हूं। मेरे हिसाब से इतना बहुत है। लाइनर लगा लिया है मैंने, अब बारी है मस्कारा की और मैं नीचे की तरफ सोच रही हूं हल्का सा आई शेडो ही कर लूं। तो मैं आई शेडो कौन सी वाला करूं, मैं सोच रही हूं हल्का सा ब्लैक में ही आई शेडो कर लेती हूँ। आप सोच रहे होंगे सिखा रही है या पूछ रही है। तो अब मेरी बारी है ब्लशर की। तो गाइज मैं अपना मस्कारा उठाना ही भूल गई हूं, अब कोई आएगा तो मैं उसे उठवाऊंगी। मुझे ब्लशर और हाइलाइटर बहुत ज्यादा पसंद है गाइज, आप अगर मेरे अच्छे वाले फॉलोवर हो तो आपको पता होगा। ये हाइलाइटर की, तो हाइलाइटर के लिए जैसे मैंने आपको बताया था आप ब्रश को पिन अप करके इस तरह से यूज कर सकते हो। मैं आ सारे ऐसे यूज करती हूँ। वाओ, बस थोड़ा सा याद रखिए पिन अप के आंखों में ना लग जाए। फाइनली अब बारी है लास्ट टचअप की, तो लास्ट टचअप क्या है, मेरा सारा सामान इधर उधर फैल गया है गाइस। एज ऑल नो कि मुझे लगता है बोल्ड लिप कलर अच्छा, तो मैं आज भी वो ही लगाने वाली हूँ। मैंने कुछ न्यू लिप कलर मंगाए हैं जिनका मैं पहले रिव्यू शेयर करूंगी, इसके बाद यूज करूंगी। तो मैं मस्कारा भूल गई थी तो मैं इसको लगा लेती हूँ। और काजल और मैं लगा लेती हूँ अब। और अरुण मेरा सामान चुरा के ले जा रहे हैं। तो मेरा मेकअप डन हो गया, मैं जल्दी से साड़ी बांध के आपको दिखाती हूँ कि फाइनल मेकअप लुक कैसा लग रहा है। बाय। सो गाइस दिस इज माय फाइनल मेकअप लुक। मैं अभी आपको कंप्लीट दिखाऊंगी साड़ी के साथ। ये वाले इयररिंग्स मैंने वेयर किए हैं जो बहुत लाइट वेटेड है,
बिंदी भी मैंने दो कलर की लगाई है और मेरे रेड बाल। आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा आप लोगों को मेकअप लुक लगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।